बुद्ध कहते हैं कि जैसे कूड़े के ढेर पर सुगंधित सुंदर कमल खिलता है, उसी तरह बुद्ध का शिष्य जैसे तैसे लोगों के बीच भी असाधारण रूप से चमकता है। कूड़े के ढेर पर, गंदे तालाब पर सुगंधित सुंदर कमल खिलता है। बुद्ध के यह वचन इसलिए अनूठे हैं क्योंकि एक पूरे सतगुरु का शिष्य, पूरे गुरु का शिष्य इसी तरह से असाधारण रूप से अपने जीवन को इस संसार में जीता है। उसकी आभा, उसकी चमक, उसका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही साधारण है और साधारण होने के बाद भी बिल्कुल ही अनूठा है। इसलिए अनूठा है क्योंकि वह अपने गुरु के वचनों, अपने सद्गुरु के वचनों, अपने बुद्ध के उपदेशों पर अपने जीवन को ढालता है, असाधारण रूप से मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है और कभी भी ऐसा दिन नहीं आता, ऐसा पल नहीं आता जब वह अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर रुक गया हो, चलने में दिक्कत आ रही हो या उसने कुछ ऐसा कृत्य किया हो, ऐसा अकुशल कर्म किया हो जिसको उसके गुरु ने करने से मना किया है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता क्योंकि असली शिष्य वही जो गुरु के शरण में समर्पित हो गया, जिसने गुरु को समर्पित कर दिया अपने जीवन को, अपने मन को, अपने चित्त को। अब उसका अपना कुछ नहीं, अब उसका मैं नहीं, अब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। बिना आइडेंटिटी के सब कुछ मिल जाता है, एक छोटे से बच्चे की तरह जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, किसी की भी गोदी में आसानी से बढ़ जाता है, किसी से उसका कोई टकराव नहीं, किसी से उसका कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वह तो तटस्थ खड़ा है, वह तटस्थ रूप से इस दुनिया को देखता है, तटस्थ रूप से यहाँ के लोगों को देखता है। उसकी नज़रों में कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, किसी भी प्रकार की कोई अच्छाई, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी के प्रति कोई भी उसका लेना देना नहीं। एक नन्हे से अबोध बालक की तरह जब मनुष्य का जीवन होने लगता है, इतना साधारण, इतना असाधारण, इतना सरल और बिना किसी भी प्रकार की उसमें चित्त में कोई गंदगी, चित्त में कोई भी मैल नहीं लगी हुई हो, वह बुद्ध का शिष्य सुगंधित सुंदर कमल की तरह खिलता है। कूड़े के ढेर पर, जिसको कूड़े का ढेर कहा गया है, यह इस संसार की व्याख्या है। संसार रूपी इस गंदे तालाब में सुंदर कमल खिलता है, बुद्ध रूपी सुंदर कमल। एक बुद्धत्व को खिला हुआ व्यक्ति इसी तरह इस संसार से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीता है, यही बुद्ध बताना चाह रहे, असाधारण रूप से चमकता है। बुद्ध और बुद्ध के शिष्य कोई फर्क नहीं, यही बुद्ध बताना चाह रहे कि बुद्ध का शिष्य भी उसी तरह से असाधारण रूप से चमकता है जिस तरह से बुद्ध इस संसार में अपना अनूठा जीवन जीते हैं और कूड़े के ढेर पर, गंदे तालाब से ऊपर उठकर जिस तरह कमल खिलता है, उसी तरह कमलवत जीवन जीते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता, गुरु और शिष्य का भेद खत्म हो जाता है। लेकिन कब?
जब शिष्य गुरु के वचनों पर अपने जीवन को ढालता है, अपने को पूरी तरह से अनुभव पर आश्रित कर लेता है, न कि पड़ी पढ़ाई बातों पर, न कि सुनी सुनाई बातों पर, बल्कि अपने जीवन को लगातार मेहनत करते हुए, प्रयास जारी रखते हुए, अपनी तृष्णाओं पर लगाम लगाते हुए, तृष्णाओं पर जय पाते हुए उच्चतम परमार्थ के रास्ते पर चलता है, उच्चतम परमार्थ का जीवन जीता है, तब बुद्ध और बुद्ध के शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता। यह बड़ी ऊंची दशा है। हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिसमें शील के नियमों का पालन करते करते ही हमारा जीवन बीत जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, हमारा जीवन बुद्धत्व की तरह क्यों नहीं हमारे अंदर खिल रहा है, हमारे अंदर बुद्धत्व क्यों नहीं खिल रहा है, हम श्रोतापन्न क्यों नहीं हो रहे, हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं नज़र आता, हमें सील के नियमों के पालन करने में इतनी दिक्कत, इसीलिए क्योंकि हम संसार में अभी भी संसार के लुभावनेपन से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों ग्रसित हो जाते हैं? क्योंकि अभी हमारे अंदर संतोष पैदा नहीं हुआ। क्यों ग्रसित हो जाते हैं? क्योंकि अभी हमारे अंदर बुद्ध के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हुई। कौन सी श्रद्धा? श्रद्धा जो एक तरफ से तो अंधी दिखाई देती है और दूसरी तरफ से उसमें 100% विश्वास अपने गुरु के प्रति। वह व्यक्ति फिर संसार की तृष्णाओं, संसार के लुभावनेपन, संसार की वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि वह अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है, कदम दर कदम आगे बढ़ता है। और हमारी जो स्थिति है कि हम शील के नियमों का पालन करने में ही अपने आप को इतना थका हुआ और इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, कारण यह नहीं कि हम नहीं कर सकते, कारण यह है कि अभी संसार भारी पड़ रहा है, अभी संसार की व्यवस्थाएं भारी पड़ रही हैं, अभी संसार में लगाव कम नहीं हुआ, अभी संसार में तृष्णाओं और संसार की वस्तुओं से अभी हमारा मन भरा नहीं, अभी हमारा मन उतावला है, वह संसार की तरफ दौड़ रहा है, अभी उत्तेजनाएं बची हुई हैं और वह उत्तेजनाएं जो कहीं ले जाती नहीं हैं, लेकिन उत्तेजनाओं की आग झुलसा देती है और इस झुलसने में मार्ग में बढ़त नहीं हो पाती, मार्ग में अवरोध पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि असाधारण रूप से शिष्य चमकता है जब वह अपने जीवन को बुद्धों के वचनों के अनुरूप ढाल लेता है। कितना आसान है शील के नियमों का पालन करना, लेकिन कितना मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए जिसके अंदर अभी भी मांस खाने की इच्छा पैदा हुई रहती है। कहीं भी मांस दिख जाए उसके मुंह में पानी आ जाता है। और यह व्यक्ति सील के नियमों का पालन करना चाहता है, लेकिन सोचो इस व्यक्ति को कितनी मुश्किल हो रही है। इसी तरह से मिथ्याचरण, झूठ बोलना, यह कितना आसान है, इससे बचना कितना आसान है सील के नियमों का पालन करना। क्यों हम मिथ्याचरण करते हैं? क्यों हम झूठ बोलते हैं? क्योंकि स्वार्थ आभी है भी। अगर मेरा कोई स्वार्थ ही ना हो तो सोचो कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अगर मेरा कोई स्वार्थ ही ना हो तो सोचो मैं क्यों मिथ्याचरण करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा, सीधी और सरल बात करूंगा, करुणा से भरी हुई, दया से भरी हुई बात करूंगा। मैं क्यों इतना कड़क हूं, क्यों इतना कठोर हूं, मैं क्यों इतना, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं सहमा हुआ हूं, क्योंकि मैं भय से ग्रसित हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा लुट जाएगा। मेरा यानी अहम, अहम डर पैदा करवाता है, अहम
मार्ग पर चलने नहीं देता। अहम कहता है कि नहीं नहीं, तुम कोई कमजोर हो क्या? और यह अहम ही है जो सहमा हुआ है, जिसकी वजह से मिथ्याचरण, जिसकी वजह से झूठ बोलना, जिसकी वजह से दूसरे की वस्तुओं पर आंख टिकी रहती है। और हम जिसको बुद्ध कहते हैं सील के नियमों में, कि किसी की वस्तु किसी दूसरे की वस्तु हो तो उसको छूना भी नहीं है जब तक हमने उससे उसके उसके लिए जब तक हमने उससे इस बात को कह नहीं दिया गया है, जब तक हमने उससे परमिशन नहीं ली, तब तक हमें दूसरे की वस्तु को नहीं छूना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है। बात बहुत छोटी सी है, किसी का पेन उठा लिया बिना उससे पूछे हुए, किसी की कोई छोटी सी वस्तु उठा ली उसकी बिना पूछे हुए, लगता है कि कहाँ चोरी क्या है इसमें, यह तो हमारी दोस्ती है, यह तो हम तो एक दूसरे को जानते ही हैं, जानते हो भला। लेकिन दूसरे की वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के अपनी जेब में रख लेना, कहीं ना कहीं अंदर किसी हृदय के किसी कोने में कहीं कोई ऐसा भाव है कि यह मेरी जेब में लटकी होती है पेन, यह वस्तु मेरी जेब में होती, इसकी जेब में क्या कर रही है। बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन सील के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। बात यह नहीं है कि सील के नियमों का पालन हो जाएगा तो कोई बुद्धत्व उपलब्ध ही हो जाने वाला है। बुद्ध ने कहा है सील के नियमों का पालन, विनयों का पालन करने से ही बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होता, हमारा स्वभाव इस तरह से हो जाना चाहिए। न केवल बुद्ध क्या कह रहे हैं, न केवल विनय और व्रतों का पालन करने से, न केवल अधिक विद्याभ्यास से कोई आदमी उस मुक्ति रस का स्वाद ग्रहण कर सकता है, सांसारिकता जिसका कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती। भिक्षुओं, तब तक प्रयास जारी रखो जब तक तुम तृष्णा का जय नहीं कर लेते, जब तक तुम तृष्णा पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। तृष्णा का जय ही उच्चतम परमार्थ है। अगर तृष्णा नहीं गई और हम सोच रहे हैं कि शील के नियमों का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन तृष्णा बनी हुई है, कभी भी कोई ऐसा मौका आएगा जब किसी की कोई वस्तु प्रिय लगने लगेगी और बिना किसी आज्ञा के हम उस वस्तु को अपनी जेब में रख लेना चाहेंगे, न रख पाए भला। लेकिन अगर मन के किसी कोने में यह भाव भी है तो सील के नियमों का पालन नहीं हुआ। इसी तरह से मिथ्याचरण है, हम क्यों मिथ्याचरण कर रहे हैं, क्यों हम किसी व्यक्ति से झूठा वादा कर रहे हैं, क्यों हम उसको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा है। और जब तक स्वार्थ है तब तक शील के नियमों का पालन होगा कैसे, और जब तक स्वार्थ है तब तक हम इस उच्चतम परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे कैसे, जरा अपने से पूछना चाहिए। बात बहुत छोटी सी है, तो हमसे शील के नियमों का पालन ही नहीं हो पाता। और बुद्ध के वचनों को सुनकर हमारे अंदर विचार तो पैदा होता ही है, एक बार हम ठनकते तो हैं, माथा तो ठनकता है एक बार को कि जीवन कहाँ जा रहा है, कल हम भी गिर जाएंगे रोड पर चलते चलते, सभी गिर जाते हैं, कोई नहीं बचता। रोड में गिरे चलते चलते, या घर में गिरे चलते चलते, या पड़े पड़े प्राण अगर निकल भी जाए तो मौत तो आ ही गई, और किसी ने किसी दिन मौत आ ही जानी है। लेकिन मौत से आने से पहले पहले हमारी तैयारी क्या है, बुद्ध हमसे यही पूछते हैं कि मृत्यु को 2400 घंटे क्या हमारी यादाश्त में बनी हुई है, क्या मौत की याद है हमें,
और हमेशा बनी हुई है। और हमारी स्थिति तो साधारणतः यही है कि हम मौत देखते भी हैं, साथ में उस मौत के साथ हम उसके अंतिम संस्कार तक भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर में वो बहुत गहराई में नहीं बैठ पाती, फिर विस्मृति हो जाती है, फिर भूलना हो जाता है, और फिर हम रोज के ढर्रे की तरह अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। और यह विस्मृति और यह भूलने की आदत और यह बेहोशी इतनी गहरी हो जाती है कि मृत्यु से पहले पहले आंख खुलती ही नहीं और मृत्यु गर्दन दबाने के लिए तैयार सामने खड़ी हो जाती है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, जीवन चला गया, दांव खो दिया गया, दांव का उपयोग नहीं किया गया। यह एक दांव था, यह एक मौका था, लेकिन यह मौका बर्बाद हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत बड़ा सौभाग्य है, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है जब धम्म की राह मिल जाए, धम्म पर चलने के लिए धम्म दान मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, किसी गुरु का सहारा मिल जाए जो हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर दे, तब मनुष्य जीवन सफल होता है। तब हम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत ही बड़ा भाग्य होता है मनुष्य का शरीर मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना। इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं कौन? देवी देवता भी तरसते हैं, इसलिए क्योंकि यही एक ऐसा जन्म है, यही एक ऐसी योनि है 84 लाख योनियों में से जिसमें सोचने समझने की ताकत है, विकास की ताकत है, और परम अवस्था तक पहुंचने की ताकत है। अपने को समझना हो सकता है, अपने अंदर उस धम्म के दर्शन हो सकते हैं, शाश्वत सत्य प्रकट रूप से प्रकट हो सकता है, शाश्वत सत्य खिल सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके लिए शरण लेने की आवश्यकता है, इसके लिए अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल कर्मों को करने की आवश्यकता है, इसके लिए विनय पर चलने की आवश्यकता है, इसके लिए सील के नियमों के साथ साथ बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, इसके लिए मन पर निगरानी करने की आवश्यकता है, इसके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत थोड़े ही लोग होते हैं जो तैरकर नदी के उस किनारे पहुंच जाते हैं। क्यों कह रहे हैं बुद्ध ऐसा? इसलिए क्योंकि इस संसार की फिसलन इतनी ज्यादा है, यह संसार इतना भयावह है, इतना विशाल है, इसीलिए इसको भव सागर कहा गया कि तैर कर नदी के उस किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बहुत थोड़े ही दृढ़ संकल्प से भरे लोग, प्रज्ञा को उपलब्ध हुए लोग ही पहुंच पाते हैं। इसलिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, अपने गुरु पर भरोसा और श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में हृदयगम्य करने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।